ये हमारे हरियाणा के सलमान खान भाई, जब आपको उसकी सच्चाई का पता लगेगा ना सीधा, तो भाई जूते से मारोगे। बंदा सच में लीचड़ है यार। हाँ जी गाइस, कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। स्वागत है भाई आप सबका आज के व्लॉग में। अंकल जी राम राम। बढ़िया, और बताओ कैसे हो? बस जा रहे हैं किसी काम से। ये बताओ सौदा कैसा लगा आपको? क्या कर रहे हो आप सुबह सुबह? ये देखो भाई हमारे अंकल जी, दिखाता हूँ आपको। बहुत दिन हो गए ना व्लॉग में आए। अंकल जी कैसे हो? क्यों, क्या दिक्कत होगी? क्या कर रहे हो? फूलों की देखभाल। अच्छा, ये देखो भाई अंकल ने गार्डन तो बढ़िया मेंटेन कर रखा है। ये कैसी लगी अंकल जी आपको? है ना, बस मैं इसको भी चला नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा हसल व्यस्त हो रखा हूँ मैं। थोड़ा फ्री होऊंगा ना फिर चलाऊंगा आराम से। और आप सुनाओ, आज चलाओ इवनिंग में? अभी तो मैं जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा, फिर शाम को आके चलाता हूँ। तक्ष कहाँ है? तक्ष, ये देखो भाई अंकल ने बढ़िया गार्डन सजा रखा है। फूल वूल भी आते हैं, चिड़िया विड़िया भी आके बैठती है, और गिलहरी भी आती है। सही हरियाली कर रखी है अंकल आपने तो। है ये मैं चलाऊंगा अंकल, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा अभी तक। ये दो दिन हो गए इसको खड़े हुए, पर अच्छे से अभी मैं यूज़ भी नहीं कर पाया इसको। आज इवनिंग में इसको चलाएंगे। बढ़िया, मैं ले गया था वैसे, देखो ऑफ रोडिंग भी करी थी मैंने इससे। अभी तो थोड़ा सा काम निपटा के आता हूँ, फिर चलाऊँगा इसको। बढ़िया, तक्स को भी घुमा दूंगा एक राउंड। बढ़िया इस पर, पर उसको पकड़ के बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज पिकअप है यहाँ। बैठना पड़ेगा उसको टाइट, या फिर आगे बिठाना पड़ेगा उसको, नहीं तो गिर जाएगा, फिर गिरने के चांस पूरे हैं। आगे बिठा लूंगा। और ये खड़ी गाइज अपनी BMW Z4 लाडो। गाइज एक नंबर हो रखी है लाडो तो वैसे, है ना, पर धूल मिट्टी की हो गई, इसको साफ करवाऊंगा। बढ़िया साफ, क्या इसको धुलवा के लाऊंगा भाई। मैं क्या कह रहा था, BMW Z4 वर्सेस वो कर दे क्या, मॉन्स्टर ट्रक ATV, हाँ रेस लगा दे सेक्सी वाली, ड्रैग रेस, छोटी मोटी रेस नहीं भाई, ड्रैग रेस भाई। हाय हाय, एक नंबर गर्मी हो रखी है यार। इस गर्मी का कुछ इलाज बताओ दोस्तों। इस गर्मी का इलाज तो सिर्फ कर सकते हैं भगवान जी। ओए, एसी चला के भागता हूँ यहाँ से थोड़ी देर। ओहो शिट मैन, इतनी गर्मी भाई। ओहो पेड़ 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 कहाँ है? देखो भाई पेड़ के नीचे आके खड़ा होना पड़ रहा है। पेड़ों की अहमियत जानते हो ना, पेड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पेड़ लगाओ, दबा के पेड़ लगाओ। हम तो अपने गांव में बहुत पेड़ लगाते हैं। आपने हमारा गांव वाला घर देखा होगा भाई, वहाँ कितने पेड़ लगा रखे हमने अपने घर के आसपास ही, है ना। तो भाई पेड़ लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेड़ लगाओ तभी भाई जिंदगी भी बढ़िया होगी और पर्यावरण भी बचेगा और आप लोग भी बढ़िया तरीके से रहोगे। और ये जो धूप के कारण, ये जो समझ रहे हो ना प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का, इन सारी प्रॉब्लम का एक ही कंबाइंड सॉल्यूशन है, पेड़ लगाओ पेड़। चलो अभी चलते यार, अभी चलते हम अपने एक भाई के पास। और मैंने आपको बताया था ना कि म्यूजिक वीडियो का अपना शूट डन हो चुका है, तो भाई आज उसकी लोकेशंस फाइनल कर लूँगा और अपना जो म्यूजिक वीडियो का डायरेक्टर है उससे मिल लूँगा और भाई अपनी लोकेशन वगैरह फाइनल करके फटाफट से शूट मारते हैं दोस्तों। क्योंकि भाई मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ फटाफट से आप लोग मेरी म्यूजिक वीडियो देखो। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई अपनी म्यूजिक ऑडियो लॉन्च मैं करूँगा एक, और वो आपको बता दूंगा कहाँ आप उसको सुन सकते हो, किस वेबसाइट पे जाना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सब आपको अपडेट दे दूंगा मैं। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करते जाओ भाई, इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे ना तो डेली लाइफ से बिल्कुल और ज्यादा अपडेटेड रहोगे। देखो व्लॉग्स तो देखते ही हो, व्लॉग्स फिर भी एक आधी बार कभी कभार मिस हो जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद आप रेगुलर मेरे को देख पाओगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और गाने वाने का क्या सीन है क्या नहीं है, मतलब सारी चीजें आप इंस्टाग्राम पे देख पाओगे। तो ये इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, आप फॉलो जरूर कर लेना भाई। और मुझे लगता है भाई कटिंग का टाइम आ चुका है मेरा, मतलब कटिंग वो वाली कटिंग नहीं भाई, कोई मेरी कटिंग वैसे नहीं कर सकता, मतलब हेयर कटिंग का टाइम आ गया मेरा। बाकी न्यू बताओ गाइस कि भाई तुम में से वो कौन कौन खेलता है, वो मतलब कौन सा गेम? हाँ मतलब यार एक तो यार पता नहीं क्या, एक तो चीजें ना याद नहीं रहती मेरे को, मैं जब भी भूल जाता हूँ। हाँ मैं क्या कह रहा था, वो गेम कौन कौन सा खेल, मतलब वो गेम कौन कौन खेलता है, क्लैश ऑफ क्लैंस COC भाई। थोड़े दिन पहले व्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने अभी COC खेलना स्टार्ट करा था। तो मैं COC खेलता था कभी स्कूल टाइम में, उस टाइम में मेरा टाउन हॉल था मे बी 7 या 8, और अभी मैंने हफ्ते 10 दिन के अंदर अपना टाउन हॉल फिर से 7 या 8 पहुंचा दिया, क्योंकि मेरी पुरानी आईडी भाई पता नहीं गायब होगी, मिली नहीं रही थी, फिर मैंने 0 से स्टार्ट करा और 7 या 8 पे पहुंच चुका हूं मैं अभी COC पे। तो अगर COC कोई खेलता है तो भाई किसी का कोई बढ़िया अगर क्लैन है ना, अगर COC के अंदर क्लैन जो खेलता है उसे पता है तो
कमेंट करो, क्लैन में मेरे को डालो, बढ़िया क्लैन में, बढ़िया अटैक वटैक मारेंगे, बढ़िया लूट लेंगे भाई। तो भाई मैं आ गया हूँ अभी बहादुरगढ़, और भाई यहाँ बहुत जाम है, बहुत तगड़ा जाम है, और पीछे थी एक वाइन शॉप। और आज है भाई 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जयंती, तो ड्राई डे होता है, लेकिन भाई लोग आज ड्राई डे के दिन भी भाई वहाँ खड़े हुए हैं मस्त ठेके के बाहर, और ठेके के शटर के नीचे से लेन देन चल रहा है बढ़िया शराब का। तो ये भाई ऐसा चलता रहता है। बाकी हरियाणा में इलेक्शन है भाई, तो इसलिए यहाँ पे काफी जाम सा लगा रहता है। वैसे भी यहाँ बहादुरगढ़ में तो जाम ही रहता है, ज्यादा जाम इसलिए भी हो रखा है इलेक्शन के कारण, क्योंकि रैली वैली ये वो भाई बतेरी पार्टी आ रखी है, पता नहीं नई नई पार्टी आ गई। तो लेट्स सी भाई क्या होता है हरियाणा इलेक्शंस में, कौन जीतता है, क्या लगता है आप लोगों को इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी, कमेंट करके बताना क्या क्या है, मतलब रुझान क्या है। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं भाई, मैं अपनी लाइफ का ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रिवील करने जा रहा हूं बहुत जल्दी, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले वो चीज पता लगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, और पिंड कमेंट करके मैंने पिन कर रखी है, उसमें मैंने एक लिंक डाल रखा है, तो उस लिंक पे जाके क्लिक करके फटाफट से अपनी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो गाइस। कम्युनिटी ज्वाइन करने से क्या होगा कि जो वो अपकमिंग एक बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीज है ना, वो आपको सबसे पहले पता लगेगी, सबसे पहले आपके पास उस चीज की नोटिफिकेशन आएगी, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ो उस चीज से। तो जल्दी से कम्युनिटी को ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से, और पिंड कमेंट के अंदर भी लिंक है, वहां से जाके फटाफट से ज्वाइन करो वहां पे कम्युनिटी पे, अपने भाई को जल्दी से सपोर्ट करो। एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और मस्त धमाकेदार चीज है जो अपकमिंग, और बहुत सारी चीजें अपकमिंग है, और सबसे पहले आपको पता लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको लिंक से डाउनलोड करके कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली मेरे सपोर्ट के लिए, मतलब मेरे को सपोर्ट करने के लिए, और मेरे ऊपर प्यार दिखाओ यार भाई लोग, जल्दी से लिंक पे जाके उस कम्युनिटी को मतलब ज्वाइन करो भाई, सारे के सारे भाई अभी ज्वाइन करो। हो सकता है भाई क्या है वो अपकमिंग चीज, शादी वादी तो नहीं कर रहा मैं, कुछ भी हो सकता है, वो पता लगेगा जब आप कम्युनिटी लिंक पे ज्वाइन करोगे। सो मिलिए गाइस हमारे पीटीआई मास्टर जी से, क्या हाल है जी? हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे भाई? आ जाओ भाई बैठो, ये हमारे हरियाणा के सलमान खान। बढ़िया दही बना रखे भाई, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या ही लगाते हो, किसी को नहीं बताते हो ऐसा भाई। माँ के हाथ का चूरमा लड़ लो। अच्छा जी, जय बाबा की। बढ़िया चल रहा सब? बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो भाई आज हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? हम एक बहुत ही गुप्त जगह जा रहे हैं। बहुत ही गुप्त जगह है, ऐसी जगह कड़े तले लेना है आगे नजर सीधा। हाँ। भाई कल भी मिला था मैं लोकेश भाई थे, भैया एक बता रहे थे किसी की, किसकी बता रहे थे भाई? भाई एक टच पूंजी कह रहे भैया यार, मगा ब्लॉक के अंदर उसके खिलाफ तो क्या मतलब भाई कह रहे थे कि यार ब्लॉक के अंदर जो वो कर रहा है पब्लिक के साथ वो बंदा, उसकी पोल खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए? तो भाई बताओ, खोल लीजिए भाई। वो एक ऐसा बंदा है भाई, पता क्या है सब का मतलब देखो, आप सब तो उसे फॉलो इसलिए करते हो कि भाई वो अच्छी बातें बोलता है, मतलब मोटिवेशनल, मतलब बहुत अच्छा इंसान है। हाँ। लेकिन हाँ। भाई जब आपको उसकी सच्चाई का पता लगेगा ना सीधा, तो भाई जूते से मारोगे। हाँ। हाँ। कौन है वो? वो बात मेरी बिल करेंगे हम, करना नहीं करना, जल्दी करने वाले हैं भाई। बंदा सच में लीचड़ है यार, वरना आज तक यार हम भी मतलब 100 बंदों से मिलते हैं इंडस्ट्री में, उठते बैठते हैं, पर इतना लीचड़ बंदा नहीं देखा भाई आज तक। तो पता है क्या भाई, बोलने को तो हम भी कुछ भी अंडरस्टैंड बोल दे भाई, मोटिवेशनल बातें बोल दे कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन भाई हम वैसे नहीं है, क्योंकि देखो हम सच दिखाते हैं, जो चीज सच है वो सच है भाई। हाँ। ठीक है, तो हम वो मतलब कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी मतलब, और चलो जो चीजें दिखाता है वो रियल में वो है नहीं, वो चीजें अच्छी है झूठ। हाँ, लेकिन वो झूठ दिखाता है। सबसे बड़ी बात है गाइस, झूठ दिखा रहा है, दिखा ही रहा है, लेकिन स्कैम कर रहा है जनता के साथ, पब्लिक के साथ, मतलब पब्लिक जो प्यार और सपोर्ट इतना दिखाती है, पब्लिक के साथ ही इतना गंदा स्कैम और वो मतलब झांसा आप लोगों के साथ झांसा हो रहा है दोस्तों। बस मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग भी उसकी सच्चाई जानो, उसका पर्दाफाश हो। हमने पीछे जाना था क्या? सीधा लो यही यूटर्न ले ले, उड़े जाना ना हमने, उकड़े तले लिकड़ेगा रास्ता, बैक ले लो आगे थोड़ा जाम मिलेगा ना, तो मैं यूटर्न ले लेता हूँ। हाँ, तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानो उसकी सच्चाई यार, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है गाइस। आपको बड़ी शर्म आएगी कि आपने उसको फॉलो कर रखा था। शर्म तो उसे आनी चाहिए ना, उस बंदे को शर्म आनी चाहिए। जनता तो भाई बोली है, स्वीट है यार, बोली है भाई। पता क्या, हम यही कह रहे हैं कि गाइस आप इतने बोले मत बढ़ो कि भाई किसी की बातों में आ जाओ, समझ रहे हो? तो भाई रियल होना चाहिए इंसान को, जो है वो है भाई। हां जी गाइस, बैक टू होम,
रात हो गई है एक नंबर, जो कि डेली होती है भाई। और भाई आंखें ऐसी हो रही मेरी, तो बस जाते ही पढ़ के सो जाऊं। एक बार दर्शन कर लेते हैं इसके, किसके, तुम भी कर लो, आ जाओ दर्शन कर लेते हैं अपनी मॉन्स्टर बाइक के। देखो अब सोची थी इसको बढ़िया हंडाऊंगा घुमाऊंगा फिराऊंगा, बट अभी रात हो गई है तो इसको कल करते हैं, इसका बढ़िया इंतजाम है ना। अभी तो रात को देखो भाई सुनसान, सब सो गए हैं और मेरे को भी भाई गंदी थकान हो रखी है। बाकी दोस्तों आज गया था अपना जो गाना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे भाई ने लिखा है, तुम्हारे भाई ने गाया है, उसकी म्यूज़िक वीडियो जो हमने शूट करनी है, उसकी लोकेशंस वगैरह देखने, तो सब लोकेशंस वगैरह फाइनल हो गई है और नवरात्रे भाई स्टार्ट है कल से। तो आप सबको जय माता दी दोस्तों। और भाई नवरात्रों के अंदर नया काम स्टार्ट करना शुभ होता है, तो मैंने सोचा कि अपना पहला गाना जो मेरा खुद का गाना है उसको मैं नवरात्रों के अंदर ही स्टार्ट करूं। तो भाई इसीलिए आज सारी लोकेशंस वगैरह अपनी फाइनलाइज कर ली है और 2 से 3 दिन के अंदर नवरात्रों में अपना गाने का म्यूजिक वीडियो जो है शूट भी हो जाएगा। इंस्टा चल चल चल, इंस्टा में थक के आऊँ भाई, मेरे बस की नहीं, तेरे को घुमा के ले जाना, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, देख ले। हाँ हाँ नाच ले नाच ले नाच ले, मेरे गाने में मॉडल बन जाइयो तू, इंस्टा बढ़िया नाचती है तू। लो जी गाइज सोने का वक्त हो गया है और कम्युनिटी लिंक जरूर ज्वाइन करना भाई लोग, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और कमेंट में भी पिन कर रखा है। आई रिक्वेस्ट आप सब लोगों को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और कम्युनिटी लिंक जरूर ज्वाइन करना, आप लोगों को वहाँ से सबसे पहले एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी अपकमिंग चीज़ों की, है ना, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली ऑन द वे हैं। तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करके कम्युनिटी को ज्वाइन ज़रूर करना, है ना। अभी एंड करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे, आई होप पसंद आया होगा आपको, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, कोई बात दिमाग में है तो कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना है आपको तो कमेंट कर सकते हो, सबको आंसर रिप्लाई मिलेगा। बाकी कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, खुश रहो भाई सारे, ऐसे ही मुस्कुराते रहो और बोलो जय श्री राम। बाय गाइज, लव यू, टेक केयर, खूब सारा प्यार आप लोगों को। नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है तो आप सबको जय माता दी। और भाई नवरात्रि में आई होप माता रानी सबको खुश और ऐसे ही स्वस्थ रखे। बाय गाइज, लव यू, बाय।